Subscribe to Adda247 and press the bell icon to never miss another update. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू Adda247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी, और आज फिर हम आ गए हैं आपके सामने कुछ अच्छी वोकैबुलरी लेके, कुछ देश और दुनिया की खबरें लेके। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, जितना भी स्टूडेंट अभी देख रहा है फटाफट इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो देखते हैं आज का फेमस कोट क्या है। फॉर्चून इज नॉट ऑन द साइड ऑफ द फेंट हार्टेड। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो लोग भी फेंट हार्टेड हैं, जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ भगवान आपके साथ रहे, आप चाहते हैं कि नहीं आपका फॉर्चून, आपका लक जो है आपको सपोर्ट करे, तो फिर आपको भी पहले खुद ब्रेव बनना पड़ेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्चून है, आपका जो लक है, वो खुद आपका साथ दे रहा है। तो डर के जीने से लाइफ नहीं चलेगी, लाइफ में रिस्क लेने से। और लाइफ में अगर मैं बात करूं तो लाइफ में जो अगर आप जो रिस्क लेते हो वो आपकी बेटरमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इससे मत डरिए और अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे ही अच्छे से जिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट एक बार आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाए। देखते हैं एक बार यू कैन से जो कल का आप लोगों का होमवर्क था, मैंने जो दिया था उसमें मैंने कुछ इस बार डिफरेंट दिया आप लोगों को, वो कुछ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया था और काफ़ी बच्चों ने उसको बनाया भी है। अगर मैं देखूं यहाँ पर चार्ल्स बन्नू ने, सोनिया ने, महेंद्र ने, अंजलि ने, लाभ सिंह ने, आगे देखेंगे यहाँ पर जो है वो हमारे SP चौधरी हैं, महेंद्र सिंह हैं, आदेश मिश्रा जी हैं। ये नहीं कर रहा था, कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, वो यूट्यूब कुछ बग और टेक्निकल ग्लिच हो जाता है कई बार, बाकी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए सारे फ्रेंड्स एक बार। अंजलि हैं, नेहा शौर्या हैं, ठीक है। यहाँ पे आप विजय प्रताप मैं देख पा रहा हूँ इनको, और जयता हैं जहाँ यहाँ पर आप लोगों ने, इन्होंने ये आपका काम था। तो आज का जो आपका यू कैन से वोकैबुलरी है, जो भी आज के आपके आर्टिकल्स हैं फटाफट उनको एक बार देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आपको लेके चलता हूँ आपको पेपर के ऊपर। तो कंप्यूटर जी मुझे जरा एक बार स्क्रीन पर लेके आइए और आज हम देख लेंगे कि आज कौन से आर्टिकल हम लोगों को डिस्कस करने हैं, फिर उन आर्टिकल्स के अंदर जो वोकैबुलरी है उसको हम डिस्कस कर देंगे। ये आपका है एक बहुत ही आज का, आपको पता ही है कि जैसे ही कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोई टेररिस्ट से रिलेटेड, कोई भी अपनी फोर्स रिलेटेड, मीन्स नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल होता है, थोड़ा सा वो मेरे दिल के करीब होता ही है। और ये एक टेररिस्ट टैग जो है आपको, जो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कुछ अमेंडमेंट उसमें की जा रही हैं, वो क्या अमेंडमेंट्स हैं और क्या उनसे हमारा फ़ायदा होगा जो है, ये हम लोग देख सकते हैं उसके बारे में इन डिटेल जो है इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा, ठीक है गाइज। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो अगला एक मेरा जो आर्टिकल है वो है मेरा ये मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर मोर जेंडर बैलेंस्ड। इस तरह से आप ये इसको देख सकते हैं, एक आर्टिकल आपका यहाँ पे है जो कि जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। अगर मैं वुमेन MPs की बात करूँ तो इंडिया का जो एक प्लाइट शो किया है, हम टोटल हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन 2018 का जो रिपोर्ट है, IPU बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं IPU, आप लोग इसको याद करेंगे IPU के नाम से, यू कैन से इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन रिपोर्ट जो है ये 2018 में, हम लोग इसमें जो हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन है अगर मैं देखूं इसमें MPs का, दैट इज़ यू कैन से हम वो 149 नंबर पे हैं अभी पूरे, अगर 192 कंट्रीज़ के बारे में बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ, उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए कौन कौन सी वोकैबुलरी की जरूरत होती है वो मैं आप लोगों को सामने बता दूंगा, ठीक है। तो कंप्यूटर जी मुझे वापस एक बार अपने स्लाइड पे आते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि कौन सा आजकल के जो वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। जल्दी से आप एक बार इसको शेयर कर सकते हैं फटाफट ताकि और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो द टेररिस्ट टैग, ये आपका हेडलाइन है, इंडिया नीड्स टफ लॉज, इंडिया को क्या जरूरत है। बिल्कुल मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ, अग्री हूँ, दैट इंडिया नीड्स टफ लॉज इफ यू वांट टू टैकल
इफ़ यू वांट टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो इस तरह के लॉ हमें बनाने पड़ेंगे जो एक स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिंजेंट हैं, जो एक हमारा कोट होता है फोर्स में, टू फाइट ए मिलिटेंट, एक्ट लाइक ए मिलिटेंट और बी ए मिलिटेंट, राइट? बी ए मिलिटेंट टू फाइट ए मिलिटेंट, बी ए गुरिल्ला टू फाइट ए गुरिल्ला। अगर आप एक टेररिस्ट के साथ लड़ना चाहते हैं तो खुद एक टेररिस्ट जैसा बन जाइए। जिस तरह का यू कैन से वो चीज़ें यूज करता है, उसी तरह की चीज़ें आप लोगों को भी यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर उससे आप लड़ सकते हो। तो बात है, अब इसमें फोर्स की टर्म है, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर गांधीगिरी से काम नहीं चलता, यू नो वेरी वेल। गांधीगिरी से काम चलेगा तो कोई आपका सर काट के आपके हाथ में रख देगा, वहाँ पर उसका थप्पड़ आपकी तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, वो अलग बात है। जब तक उसका थप्पड़ आपकी तरफ बढ़े, तब तक चार थप्पड़ अगले वाले को मार देने चाहिए, ठीक है ना? ये फोर्स का रूल होता है। वेल, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, बट दिस इज रूल ऑफ द फोर्स। वेल, तो इंडिया नीड्स टफ लॉज टू कॉम्बैट टेरर, बट द प्रपोज अमेंडमेंट्स कुड बी मिसयूज। ये मिसयूज हो सकते हैं। ये आपका टेररिस्ट टैग को किस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया है, आइए जब उसको जरा एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इसमें आ रहा है इनोक्यूस। ब्यूटीफुल वर्ड, आपके एग्जाम में आने वाला वर्ड है। जल्दी से एक बार इनोक्यूस का मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं, ठीक है मिस्टर बनी? जल्दी से फटाफट एक बार देखिए। और ये है आपका कंप्लीटली हार्मलेस। कंप्लीटली हार्मलेस इसको आप बोल सकते हो, जो बिल्कुल भी हानि ना पहुंचाए, ठीक है? यस, इनोक्यूस आप इंसेक्ट बोल सकते हो, इनोक्यूस स्पीच बोल सकते हो। जैसे आप लोग देखते हो, ये देखते हो ना, ये आप लोग इस तरह का जो कोई इंसेक्ट होता है, ये आपको काटेगा नहीं, आप लोग इसको अपने इसमें फिंगर वगैरह पे भी रख लेते हो, किस टाइप से आप देखते हो कि हाँ नो, मैंने देखा है कई बार बच्चों को करते हुए कि यहाँ पे जब ये आएगा, फिर यहाँ पर जब ये अपने फिंगर के आपके इस पे टो पे आ जाएगा, तो ये अगर ये उड़ जाएगा तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो आप पास नहीं हो जाओगे, ठीक है ना? इस तरह से आप लोग गेम वगैरह खेलते थे। तो ये इनोक्यूस है, मतलब हार्मलेस है, बिल्कुल भी हार्मलेस है, ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर किसी स्नेक की मैं बात करूंगा, तो स्नेक जो होता है वो इनोक्यूस नहीं होता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आपका टाइगर है, जो लायन है, ये इनोक्यूस नहीं है बिल्कुल भी। किसी आप टाइगर के सामने बैठ के नहीं बोल सकते, चल बता मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आप नहीं कर सकते, बट दिस इज इनोक्यूस स्पीच हो सकती है। एक आपकी स्पीच है जो आपकी, जिसको आप टायरेड बोलते हो, जो आपकी हेट स्पीच होती है, ठीक है ना? आपने काफ़ी बार इस वर्ड को यूज़ किया हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। रेनी सीजन में सतीश जी गुप्ता जी बोल रहे हैं कि इस तरह से सर आ सकते हैं। तो ये इनोक्यूस स्पीच हो गया, इनोक्यूस आपका जजमेंट, आपका हार्मलेस जजमेंट हो गया, इनोक्यूस इंसेक्ट हो गया, स्पीच हो गया। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्यों ये वर्ड्स मैं आप लोगों को डेली इस तरह से सिखाता हूँ, ताकि आप इनको यूज कर लो। जिस दिन आप लोग इन वर्ड्स को यूज करने लग जाओगे, फिर आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको इंग्लिश बोरिंग नहीं लगेगा। यही ये वर्ड्स हैं आप लोगों के, अगर मैं बात करूं तो कुछ एक वर्ड्स हैं आप लोगों के जो आपके कॉमन पार्लेंस में यूज़ होते हैं। यही वर्ड्स हैं आप लोगों के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन वर्ड्स को आप लोगों को अच्छी तरह से लर्न कर लेना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि आज का फर्स्ट वर्ड जो इस लेक्चर का है, वो इनोक्यूस वर्ड आप लोगों को सबको याद हो चुका है। अगर याद हो चुका है तो जल्दी से आप लोग एक बार मेरे को एक थम्स अप दिखा सकते हैं, जल्दी से, कम ऑन। वेल, नेक्स्ट देखते हैं, अगला एक वर्ड है टेंट। ये तांत नहीं है, ना टेंट है, क्या है ये? टेंट है। टेंट आपका यूज होता है एक वर्ब की तरह भी और एक आपका नाउन की तरह भी। अगर मैं बात करूं तो टू स्पॉइल समथिंग, धब्बा जिसे आप बोलते हो ना, किसी चीज को धब्बा लगाना, या यू कैन से टेंटेड, है ना, मैला, यू कैन से टू स्पॉइल समथिंग, या एक स्पॉइल यू कैन से नाउन की तरह भी यूज होता है और एक वर्ब की तरह भी यूज होता है। जैसे हिज रेपुटेशन वॉज परमानेंटली टेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्कैंडल। उसकी जो रेपुटेशन जो थी, आप लोगों को क्या काम करना है पता है, आप लोग कुछ मत करना। ये जो सेंटेंस आपको मैंने दिया हुआ है, इस सेंटेंस को जरा एक बार मुझे लिखिए, मुझे वापस एज इट इज लिखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है ना? दाग पोल्यूटेड, यू कैन से, निकी वासनिक ने देखो आंसर बोला है। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट आज मुझे नए देख रहे हैं, जल्दी से वो एक बार मुझे लिखेंगे एन, ओनली एन लिखेंगे बस, और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है? एन से नवंबर होता है फोर्स की लैंग्वेज में, नवंबर, 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 है ना? हम दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना, उसमें बोलते हैं टेंगो चार्ले में, नवंबर, नवंबर। एन से क्या बोलते हैं? एन से आपका, जल्दी से मुझे बताइए एक बार कौन कौन स्टूडेंट आज नया देख रहा है, ताकि फिर वो उसको हम अपना अड्डा 247 अपना फ्रेंड बना लेगा, अपनी टीम का हिस्सा बना लेगा, और फिर वो हमारे साथ हो जाएंगे। गॉट इट? क्लियर है? चलिए, और धीरे धीरे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। फटाफट आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखना है, और फिर आपको खुद लगेगा कि हाँ सर, ये वर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है? वेल, अरिजीत झा बोल रहे हैं, ओके, वेरी गुड। मयंकांत रे,
वेरी गुड, अच्छा है आपका, वेलकम है अजीत सिंह आपका, आपका इस शो में स्वागत है। राहुल तोंडे आपका स्वागत है, प्लीज़ बी रेगुलर। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वेल ओके, वेल राइट 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 ओके, दैट्स ग्रेट, मी एंड यू। अच्छा, अस्मिता भी बोल रहे हैं सर मैं भी नए हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों बाद जो आते हैं वो नया नहीं होता, वो पुराना ही होता है, ठीक है। तो हिज रेपुटेशन वॉज परमानेंटली टेंटेड बाय द फाइनेंशियल स्कैंडल। इस तरह से आप बोल सकते हो कि परमानेंटली एक स्कैंडल उसने कर दिया, एम्बेजलमेंट किसी ने कर दिया, उस एम्बेजलमेंट करने से, पैसे का गबन करने से उसका जो रेपुटेशन है वो परमानेंटली टेंटेड हो गया, क्या बिल्कुल एकदम से खराब हो गया, ठीक है ना। यूज कर सकते हैं आप इसको ऐसे। एक और वर्ड है आपका, देखिए रिड्रेस, रिड्रेसल से बना हुआ। रिड्रेस का मीनिंग क्या होता है? टू गिव पेमेंट फॉर अ रॉन्ग, इसको आप बोल सकते हो, किसी चीज़ की भरपाई करना, किसी चीज़ की पेमेंट करना, अगर आपने कुछ गलत काम किया है उसको, गलत काम को ठीक करने के लिए रिड्रेस कर देना, ठीक है। इंडिविजुअल्स मस्ट हैव फास्टर मीन्स ऑफ रिड्रेस देन ग्रुप्स। जैसे अगर अब ये जो आपका लॉ बना हुआ है, मैंने ये जो सेंटेंस बनाया है ये मैंने उसी पैरा से उठा के बनाया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, एक तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का नाम है भाई कुछ भी ले लो आप, आर से ले लेता हूँ कोई नाम है, ठीक है। एक आपका अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कोई ग्रुप है, ये टेररिस्ट ग्रुप है, इसको आप लोग जो है जल्दी से अगर मैं बात करूँ तो बैन कर सकते हो। लेकिन एक इंडिविजुअल को अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे तो आपको 100 इंडिविजुअल 1000 इंडिविजुअल यहाँ पे अकेले मिल जाएंगे। तो हमें लॉ ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी जो है, कोई गलत आदमी भी ना फंसे। गाइस देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पे मिसयूज़ भी बहुत होगा, है कि नहीं। आज हम अभी ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं, अब हम अकेले सिंगल इंडिविजुअल को भी एक टेररिस्ट का दर्जा देंगे। अब यहाँ पे तो कल को क्या करेगा, कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा को उठा लेंगे, है ना, टॉम डिक एंड हैरी बोलते हैं ना इसको, इसको उठा लिया घर से, पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब की रंजिश है इससे। इंस्पेक्टर साहब क्या करेगा, चल उठ जा, मुझे लग रहा है कि तू टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त है, ले बेचारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उसकी तो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा है मुझे पूरा, जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या क्या बुरी हैं, या ऐसा हो सकना चाहिए, एक सेंट्रल व्यू लेके आपको बात करना है। अब देखिए, मैं ये क्यों बातें आपको बता रहा हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस, जो अज्ञानता होती है वो तो वरदान होती है। अब एक रिक्शा वाले को थोड़ी पता है कि कोई ऐसा लॉ बन रहा है जिसमें अब हम टेररिस्ट को भी, इंडिविजुअल का जो आप जो इंडिविजुअल होता है उसको भी हम टेररिस्ट की कैटेगरी में ले सकते हैं। उसको क्या मतलब है, उसको बेचारे को अपना उसका पेट पहले भरना है, उसके उसको अपना पैसा कमाना है, फिर जो रिक्शा जो उसने किराए पे लिया हुआ है उसको पैसा देना है, तब जाकर उसको काम करना है। यू गाइज आर द चोजन बींग, यू वॉन्ट टू बी इंस्पेक्टर, यू मस्ट एटलीस्ट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये कोई मेरे इसमें अकेले का फायदा नहीं होने वाला, आप लोगों का भी फायदा होने वाला, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों को इसको चीज़ों को सीखना, देखना है। कल को आप लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप बेवकूफ़ ना लगो, इसलिए आप लोगों की नॉलेज की इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें हो रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यू टेल मी, कम ऑन। ओके वेल, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो रिड्रेस को, ठीक है। इंडिविजुअल्स मस्ट हैव फास्टर मीन्स ऑफ रिड्रेस, तो अगर किसी इंडिविजुअल को आपने लेना है तो कम से कम उसको फास्टर मीन्स दीजिए, ताकि अगर वो गलत है या तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, अगर वो गलत नहीं है, उसको बिना बात में किसी रंजिश में पुलिस ने अपनी शक्ति बिना पे उठा लिया है, तो उसको इतना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को प्रूव कर सके या अपनी बेगुनाही को प्रूव कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यू टेल मी, कम ऑन, ठीक है। तो ये ड्रेस इस तरह से आपने यूज़ कर लिया। पोर्टेंशियस, ब्यूटीफुल वर्ड, इसको एक बार आपको अच्छे तरीके से आपको लर्न करना है, एडजेक्टिव की तरह ये एक इस्तेमाल होता है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे लिखेंगे एक बार पोर्टेंशियस का मीनिंग क्या होता है, मुझे अच्छा लगेगा। कम ऑन लिखिए जरा, जितना भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहा है, अगर आपको मीनिंग पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो सीख लीजिए, बस इतना सा काम आपका होना चाहिए। कम ऑन देखिए, जो टू सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा जो सीरियस होता है, जो इंपॉर्टेंट एंड ट्राइंग टू बी इंपॉर्टेंट, टू सीरियस एंड ट्राइंग टू बी सीरियस बोलते हैं इसको, टू सीरियस एंड ट्राइंग टू बी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, इंपॉर्टेंट बोलेंगे। जैसे पोटेंशियस आर्ग्यूमेंट, टू सीरियस आर्ग्यूमेंट, पोटेंशियस फिलोसफी, है कि नहीं। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जो हमारे आपने देखा होगा कहीं कोई इस तरह का कोई प्रोफेसर होता है या कोई लेक्चरर होता है, बहुत ही पोटेंशियस कमेंट्स कई बार वो बोल देते हैं, ठीक है ना। हमारे अभी अमित शाह जी ने यूज़ किया जब ये इस लॉ के बारे में जब वो बात बता रहे थे, कह रहे हैं कि जो अर्बन माओइस्ट हैं, देखो गाइज नक्सल ऑपरेशन का जो एक्सपीरियंस है मेरा वो थोड़ा सा गहरा एक्सपीरियंस है और मेरी लाइफ पे काफ़ी इफेक्ट किया उसने। और जो अगर कोई इस उन लोगों को अगर चलाने वाले लोग अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं, अर्बन माओइस्ट का नाम दिया ना उन्होंने, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, उन्होंने जो कमेंट बोला मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अर्बन माओइस्ट बोला है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो लिंक होगा,
एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है और अगर वो छत्तीसगढ़ के बंदों को ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब वो दिल्ली वाले को पहले सजा मिलनी चाहिए और छत्तीसगढ़ वाले को तो हम अपने आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये अर्बन माओइस्ट जो हैं, अब इनको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कोर्ट में। हो सकता है आप किसी बेगुनाह आदमी को भी पकड़ लो, या हो सकता है किसी आप जो है जो आदमी गुनहगार है, जो टेररिस्ट है, वाकई जो एक बुली है, उसको आप पकड़ लो। अगर आप उसको इस एक्ट के अंदर ले आए तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात, क्या शाबाशी है। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को, लॉ का रूल होता है गाइस, सो बेगुनहगार आदमी भले ही आपके छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लॉ का रूल है, मैंने रूल नहीं बनाया। सो आपके गुनहगार बेशक आपके छूट जाएं, फ्री घूमते रहें, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो कानून के ऊपर एक भार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का अगर वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, इसका मतलब अब जो 5 साल बाद तक आ गई है गवर्नमेंट जी हमारी, अब ये ऐसे तो करेंगे ही करेंगे। सीधी बात है कि जो लोग यू कैन से आप लोगों के गाइस, कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं हम लोगों की, आप देखिए, आप कभी भी देखते हो 15 जवान वहाँ पे शहीद हो गए, 20 जवान वहाँ पे शहीद हो गए, वो ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर कोई लोग इनको ऑपरेट कर रहे हैं, 101% उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यू टेल मी, कम ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं पोटेंशियल को, जो टू सीरियस होता है या आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये आप एक सेंटेंस आपका हो गया। तो कंप्यूटर जी, अब इन वर्ड्स को हमने कैसे यूज़ करना है, जल्दी से एक बार बच्चों को दिखाते हैं। मुझे एक बार स्क्रीन पर ले आइए आप, और अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगा वहाँ पे, और ताकि हम लोग देखेंगे, राइट गाइज। यस, जल्दी से एक बार आते हैं अपने पेपर के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टेररिस्ट टैग, ठीक है ना गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या बोला हुआ है, इंडिया नीड्स टफ लॉज टू कॉम्बैट टेरर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया नीड्स टफ लॉज टू कॉम्बैट टेरर, राइट। बट द प्रपोज अमेंडमेंट्स कुड बी मिसयूज। अभी मैं आपको ये बात कर रहा था कि जो अमेंडमेंट्स बोल रहे हैं ये आपकी मिसयूज की जा सकती हैं। एज इट इज़ आप लोगों का कोई क्लोज टेस्ट बन के आ जाएगा, एज इट इज़ आप लोगों का कोई PQRS बन के आ जाएगा, एज इट इज़ आपका ये अनसीन पैसेज में उठ के आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप शुरू से एंड तक इसको देखोगे, अगर आप सुनोगे, आप लोगों को खुद अच्छा लगेगा, फिर आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। जल्दी से एक बार इसको देखते हैं कि किस तरह से आगे ऑथर क्या कहना चाह रहा है। The idea of designating, आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं, आपको ये विजिबल है, आपको सब कुछ विजिबल है, आइए मेरे साथ साथ आप लोग इसको देख सकते हैं। The idea of designating an individual as a terrorist, as the latest amendments of the Unlawful Activities Prevention Act, ये देखिए, अब इस एक्ट में आपके कुछ अमेंडमेंट्स हो रही हैं, मे अपीयर इनोक्यूअस, अब ये आपका हार्मलेस अपीयर हो सकता है। उसने, ऑथर ने देखो मॉडल लगाया मे का मतलब होता है 50-50% पॉसिबिलिटी, मैं 15 लिख दिया। मे का मतलब क्या होता है सर, 50% पॉसिबिलिटी है ना, मॉडल्स आप लोगों को सिखाया हुआ है हम लोगों ने, मे आपका 50% पॉसिबिलिटी लेके आता है। मे अपीयर इनोक्यूअस, यार 50% लगता है हम लोग सक्सेसफुल होंगे, 50% लग रहा है हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। हाउएवर, डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट रेजेस सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस एंड हैज अ पोटेंशियल फॉर मिसयूज। द प्रैक्टिस ऑफ डेजिग्नेटिंग इंडिविजुअल्स अंडर एंटी टेररिज्म लॉ प्रिवेलेंट इन सेवरल कंट्रीज इज सीन एज बीइंग नेसेसरी बिकॉज बैंड ग्रुप्स टेंड टू टेन देयर नेम्स एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट। वो क्यों बोल रहा है इंडिविजुअल्स को, अब जैसे हमने ये हैं हमारे जमातुद्दावा, हाफिज सईद का, आपका जैश मोहम्मद, कुछ भी अगर हम लोग इनको बोलें, ये लोग क्या करते हैं, एक जमातुद्दावा बंद करेंगे, दूसरा जमातुद्दावा खोल देंगे, है कि नहीं है भाई, नाम ही तो बदलना है। हम गवर्नमेंट ने जमातुद्दावा को बैन कर दिया, ये कुछ और खोल के बैठ जाते हैं, फिर कुछ और खोल के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कितने ग्रुप हो गए हैं। तो अब एक ग्रुप को बैन ना करके एक इंडिविजुअल को ही बैन करने का अब बीड़ा जो है ये यू कैन से हमारे कंट्री ने उठा लिया है। पार्लियामेंट मस्ट कंसीडर वेदर एन इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड टेररिस्ट प्रायर टू कन्विक्शन ऑफ ए कोर्ट। पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा कि भाई इंडिविजुअल को टेररिस्ट का दर्जा दे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, देयर ऑट टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। यार एक इंडिविजुअल के बीच में और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डेफिनेटली एक डिस्टिंक्शन होना ही होना चाहिए। ऑट टू भी लगाया है, एक मोरालिटी के बेस पे ऑथर बात करना चाह रहा है। ऑट टू का मीनिंग मोरल मोरालिटी के लिए ही यूज होता है। देखो कितनी अच्छा ऑथर का हमें आर्टिकल मिला है आज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पता लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए कि हाँ ऑट टू यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। एज द फॉर्मर इंजॉय द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, the likely adverse consequences of a terrorist tag may be worse for individuals than for organization. individuals ke liye bahut worse ho jayega, kyun, individual wo aapka threatened even after obtaining bail, agar usko bail bhi mil jayegi
from the courts, they may have their travel and movement restricted besides carrying the tent. जिंदगी में उसकी जिंदगी हराम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों? पूरी सोसाइटी में उसको एक धब्बे की तरह जो है उसको बोलेंगे कि ये तो इसका आतंकवादी का है. आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, है ना, मेरा बाप चोर है. और पूरे जो वो सोल्जर मूवी आई थी, SOLDIER सोल्जर मूवी थी अभी उसकी, आपके बॉबी देओल की, बॉबी देओल जी का बाप को जो है वो आर्मी का बंदा होता है लेकिन फिर भी उसको बोल देते हैं कि उसका बाप जो है वो देशद्रोही आतंकवादी है. और सारी ज़िंदगी उसकी माँ बेचारी जो है वो गांव वाले उसको परेशान करते रहते हैं. समझ में आया ना, मैं आप बस लिंक करके बता रहा हूँ कि किस तरह से उसको जो अकेले इंसान को इस तरह से ये टेंट लगेगा और उसको इसको झेलना पड़ेगा. वेल, आगे देखेंगे तो अगर मैं बात करूँ तो ए रॉन्गफुल डेजिग्नेशन विल कॉज इररेपरेबल डैमेज टू अ पर्सन्स रेपुटेशन. ऑब्वियसली बात है, करियर में, उसके लिवलीहुड में. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वार्निंग. अब अमित शाह जी ने वार्निंग दे दिया, ये खतरनाक आदमी है कि नहीं है हमारे बीजेपी के. ये बोलते हैं ये गवर्नमेंट जो है विल नॉट स्पेयर टेररिस्ट एंड द सिंपथाइजर. और उसके सिंपथाइजर भी सुन ले, इस बार 5 साल के लिए दोबारा आ गए हैं, अब एसएससी करने वाले हैं विद रेफरेंस टू अर्बन माओइस्ट. डेफिनेटली दे मस्ट बी पनिश्ड इफ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिल्ली नगाइज. आई एम टेलिंग यू डेफिनेटली दे मस्ट बी पनिश्ड. ये जरूर अर्बन माओविस्ट जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो जरूर पनिश होने चाहिए. आर पोटेंशियस टू सीरियस इन ट्राइंग टू बी वर्डेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज. इट हैज बीन आर्ग्यूड बाई सम मेंबर्स इन पार्लियामेंट. देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार ध्यान से सुनना आप सारे बच्चे. इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट बाई सम मेंबर्स इन पार्लियामेंट दैट द बिल कंटेन्स एंटी फेडरल फीचर्स. बिल जो है एंटी फेडरल फीचर है. फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है इंडिया का, बिल्कुल फेडरल स्ट्रक्चर है, कोई कोजाई फेडरल नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा. सेंटर की और स्टेट का अलग अलग जो है उसकी पावर्स हैं. पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है. अब हमारा एम्पावर द हेड ऑफ द NIA. एक हमारी एजेंसी होती है जिसको बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना. थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे एजेंसीज के बारे में. जैसे हमारे CBI है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ये हमारा पुराना, ये अभी आपका जो मुंबई अटैक आपका हुआ था उसके बाद में इसका जो है ये जो है लाइमलाइट में आई थी ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी एजेंसी क्रिएट किया गया था. इसका सिर्फ यही काम है कि जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको ये इन्वेस्टिगेट करती है, उनको ये देखती है. अब इसके जो हेड हैं, डायरेक्टर साहब हैं जो इसके, उनको क्या पावर दे दिया? उनको पावर दे दिया कि भाई फोर फ्यूचर प्रॉपर्टी करो इंडिविजुअल्स की, दो इन्वॉल्व हैं टेररिज्म में. एट दिस ओवरराइड्स द फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस को अब ये कुछ समझेंगे ही नहीं. जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस का हमारा इंस्पेक्टर है दरोगा जी है, उसको तो ये कुछ समझेंगे ही नहीं. एट प्रेजेंट अप्रूवल हैज़ टू बी गिवन बाई द स्टेट पुलिस हेड ऑल्सो. देर विल बी अ सेंक्शन अलाउंग NIA इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट टेररिज्म केसेज अगेंस्ट अ DC, DSP या एक ACP. ऑलमोस्ट जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए पहले क्या होता था कि एक DSP लेवल का जो बंदा होता है, DSP के नीचे आपका इंस्पेक्टर होता है, उसके आपका सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है. सब इंस्पेक्टर के नीचे आपका ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, फिर आपका हेड कांस्टेबल होता है, फिर आपका कांस्टेबल सबसे नीचे होता है. इसके नीचे कौन, आपके ये जो होते हैं ना कांस्टेबल, जो के नीचे जो दो आप होमगार्ड होता है, होमगार्ड हो जाते हैं ना, फिर आप लोग हैं, ये आपका चंक चलता है. DSP साहब के ऊपर SP साहब हो गए, फिर आपके DIG साहब हो गए, फिर IG साहब हो गए, फिर DGP साहब हो गए. मेजर आपका स्ट्रक्चर ये चलता है किसी भी स्टेट में. ध्यान से सुनना मेरी बात को. ये इंस्पेक्टर जो है, पहले DSP को पावर थी कि टेररिस्ट का कोई केस होगा तो ये हैंडल करेगा, पहली बात तो ये. अब इंस्पेक्टर साहब जी को भी पावर हो गई. अब ऑब्वियसली बात है कि ये जो इंसान होता है, DSP जो होता है एक, वो आपका लगा लो कि या तो आपका कोई इनिशियल IPS होगा जो DSP रैंक का होगा, या आपका कोई PCS होगा. इंस्पेक्टर साहब तो आपके ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का होगा, कोई पैसे वैसे देके भी बन सकता है, तो वो तो वही काम करेगा ना जो वो ऊपर से पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? मतलब सर जगह नहीं कि मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बस. अब ये इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाएगा तो जो काम, अगर अब ये सपोज ये हमारे पॉलिटिशियन है कोई, एक ऐसे इन्हीं को ले लेते हैं, इनको गुस्सा आ गया किसी भी बंदे के ऊपर, इनको बोलेगा ओए सुन ओए नत्था सिंह, क्या जी साहब उधर ये बंदा बैठा है, इसको टेररिस्ट ग्रुप में इसको इन्वॉल्व करके अंदर डाल दें, बस वो डाल देगा, वो अपने आप को प्रूव करता रहे बेचारा. तो ये सब जो है आप लोगों को, अगर मैं बात करूँ तो ये उसके यू कैन से उसके ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है ना. सारे के सारे ये नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना गाइज. तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो. वेल आई एम सॉरी, एक मिनट के लिए मुझे दीजिए बस. कंप्यूटर में तो एक बार मुझे जरा स्क्रीन पे ले आइए.
ओके गाइज, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए ले आइए। वेल देखिए गाइज, यहाँ पे तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं बात करूँ तो ये बोला कि इधर जो है ना, ये जो इंस्पेक्टर्स हैं टू नेशनल टेररिज्म केसेस अगेंस्ट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर सिग्निफिकेंटली एनहेंस द स्कोप ऑफ मिसयूज, तो इनका मिसयूज जो है ये काफी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके गॉट इट। तो द 2004 अमेंडमेंट टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 मेड इट कॉम्प्रिहेंसिव एंटी टेरर लॉ दैट प्रोवाइडेड फॉर पनिशिंग एक्ट्स फॉर टेररिज्म एज वेल एज डेजिग्नेटेड ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा कि कहीं इसका, अगर आप मिसयूज की बात करें, ठीक है, हम लोग इस तरह के हमें लॉ बना रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस दिखाएं, जो आपकी जीरो टॉलरेंस को दिखाएं, लेकिन हमें इस तरह का भी देखना चाहिए कि कहीं इसका मिसयूज ना हो। अगर इसका मिसयूज हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लम आप लोगों की देख ले, वो एक दो है प्रॉब्लम जो है, एक जर्नल यू कैन से, अगर कोई एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकता है। वेल वापस एक बार ज़रा कंप्यूटर महोदय स्क्रीन पे आते हैं। तो आप लोग जो है एक बार नेक्स्ट जो है, अब मैं आपकी बात करूँ तो एक बार आप मुझे वापस पीपीटी पे ले आइए, एक बार वापस प्लीज स्क्रीन पे, एक बार पीपीटी पे एक बार आ जाए कंप्यूटर जी। ओके यस चलिए। तो गाइज ये आपका एक आर्टिकल था, और नेक्स्ट आर्टिकल अगर मैं देखूं तो ये है आपका सेकंड आर्टिकल, मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर्स मोर जेंडर बैलेंस्ड। अब ये एक आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो सकता है कि किस तरह से आपके जो जो बैलेंस है, जो मेल और फीमेल का जो बैलेंस है, अगर मैं आप लेजिस्लेचर के बारे में बात करूं तो वो क्या है इंडिया में, कितना है, उसके बारे में जरा एक बार देखेंगे। लेकिन उस आर्टिकल को देखने से पहले आप लोगों के लिए जो वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, ठीक है गाइज। ये इसमें युगांडा जो है उसने टॉप है लिस्ट में, जो विमेन पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मैं इसका मैप आप लोगों के सामने दिखाने वाला था तो मैं इसको लेके आया हूँ। युगांडा जो है आप लोगों का, ये आपका अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, ये आपका युगांडा हो गया इधर यहाँ पे, ये आपका रवांडा है, ठीक है, ये आपका बुरुंडी है, ये आपका तंजानिया है, ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है ना। ये लैंड लॉक्ड है आपका रवांडा, ठीक है ना, ये आपका, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका लैंड लॉक्ड है, गॉट इट। नेक्स्ट अगर देखूं मैं यहाँ पे द रवांडन जिनोसाइड, एक्चुअली ये मैप यहाँ पर आपको मैं रवांडा का दिखा रहा था यार, ये यहाँ पर है रवांडा का ही, ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको रवांडा लिख लीजिए, ये रवांडा का मैप आपको दिखा रहा था मैं, ये आप लोग, ये लैंड लॉक एक आपका मैप है, और ये आपका कोंगो, इसका अगर मैं बात करूँ तो ये आपका लेफ्ट में हो गया, तंजानिया इधर है, युगांडा ऊपर है और बुरुंडी नीचे है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये तीनों कंट्री आपके साथ में है। युगांडा ऊपर है सबसे, फिर आपका रवांडा है, फिर आपका बुरुंडी है, इसी टाइप से लाइक दिस। तो कई बार ये हायरार्की कई बार पूछ ली जाती है अफ्रीका में, अगर मैं आपकी बात करूं तो ये आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, गॉट इट गॉट इट। हाँ यस वेरी गुड ओके। तो अगर मैं बात करूं तो इसमें देखिए यहाँ पे ना रवांडा में एक जिनोसाइड हुआ था, ये आपका कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1994 में आपका जो ये जिनोसाइड हुआ था, और ये जो वहाँ पर टुट्सी जो है, अगर मैं बात करूँ तो ये वहाँ के जो लोग थे, टुट्सी इनको कहलाया जाता है, इनको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मास स्लॉटर कर दिया गया था। ये आप देख भी सकते हैं, ये पिक्चर अगर मैं बात करूँ तो ये मैंने देखा वहाँ से, देखा गूगल सर्च करके, वो जेनोसाइड था आप लोगों का 7 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक, ये रवांडन सिविल वॉर के टाइम पे ही आपका 1994 में चला था। उस टाइम पे हुआ क्या, काफ़ी जो रवांडा के जो मेल थे, जो मेल कम्युनिटी है अगर मैं बात करूँ तो, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा यू कैन से नंबर्स में जो है उनको किल कर दिया गया था। अब वुमेन आपके बच्चे ही नहीं, तो वुमेन पार्टिसिपेशन वहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर वन वो है तो वो वुमेन को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे लॉजिक ये है आपका, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो, ठीक है। वेल तो फर्स्ट जो है वर्ड इसमें ये है डिस्पेंसेशन आपका। डिस्पेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, दो मीनिंग इसके होते हैं, आप लोगों को दोनों के दोनों मीनिंग याद करने हैं, अलग अलग तरह से मैं इसको यूज करके आप लोगों को दिखा दूंगा। पहला मीनिंग क्या आपका, परमिशन, अगर मैं बात करूं तो परमिशन
फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम चर्च, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या पॉलिटिकल या रिलीजियस सिस्टम, जैसे कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, या परमिशन के केस में आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं तो द कपल, यहां पे अब ये अगर इसको मीनिंग आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग क्या कीजिए, ये जो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बना के दिख रखे हैं, इन सेंटेंसेस को आप दो तीन बार बोल दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं फटाफट एक बार इन सेंटेंसेस को आप मेरे सामने लिखेंगे। गॉट इट, क्लियर है? द कपल हैव रिक्वेस्टेड अ स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द चर्च टू अलाउ देम टू मैरी। कम ऑन, जल्दी से एक बार लिख दीजिए। आकांक्षा मिरांडा ने मुझे सेंटेंस लिखा है, ये कमेंट में लिखा है, डिस्पेंसेशन क्या होता है, परमिशन स्पेशली फ्रॉम चर्च। गॉट इट, इज इट क्लियर और नॉट? यस, कमॉन, जल्दी से मानसी गुजर, लाभ सिंह, आप लोग क्या ये बात कर रहे हो भाई, जल्दी से फटाफट मुझे डिस्पेंसेशन का मीनिंग लिख के दिखा दीजिए। कमॉन, हरी आप, अंशिका कटियार, पिंटू ने, आयुषी ने इसका आंसर लिखा है, और आकांक्षा मिरांडा ने लिखा है, काजल चौधरी ने लिखा है। ओके काजल जी, थैंक यू, जल्दी से लेकिन इसको आंसर को लिख दीजिए भाई, वो आपका जल्दी है, फटाफट एक बार मुझे लिख के दे दीजिए। परमिशन का मीनिंग क्या होता है, सॉरी डिस्पेंसेशन क्या होता है, परमिशन स्पेशली फ्रॉम चर्च और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सिस्टम, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जैसे अश्विनी सिंह ने लिखा है, द कपल हैव रिक्वेस्टेड अ स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द चर्च टू अलाउ देम टू मैरी। और कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन है, लेकिन कैसा, कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन, ए पॉलिटिकल रिलीजियस सिस्टम, इसको भी आप डिस्पेंसेशन बोलते हो। ये वर्ड्स आपको सीखना पड़ेगा, जिस जब जब आप लोगों की ये वाली वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी ना, जैसे ये वर्ड था, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, जैसे नाइस्टी, कल मैंने एक वर्ड दिया था, जरा बताओ मीनिंग, बताओ नाइस्टी का मीनिंग, कौन मुझे बताएगा, फटाफट सबसे पहले देखूंगा कौन स्टूडेंट मुझे बताता है। जितने स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताइए नाइस्टी का मीनिंग क्या होता है। कमॉन, ये आपका हो गया कम्युनिस्ट डिस्पेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ईयर मार्क्ड, ठीक है, ईयर मार्क्ड, यस एग्जैक्टली, ठीक है। द कपल जो है आप लोगों को, ठीक है ना, रिक्वेस्ट स्पेशल आप लोगों का डिस्पेंसेशन फ्रॉम द चर्च टू अलाउ देम टू मैरी, ठीक है ना, सटल डिटेल्स आप लोगों की यूज हो सकती है। ईयर मार्क आपका क्या हो गया, ये सटल डिटेल, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये आपका सत्यजीत गुप्ता ने, आकांक्षा ने, चंदन ने, हनी ने, अश्वनी ने आंसर दिया है ये, ठीक है। ईयर मार्क अगर मैं बात करूं तो ईयर मार्क का मीनिंग क्या होता है, ये आपका हो गया टू कीप और इंटेंड समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, या टू असाइन, किसी भी इंसान को जो है कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसको क्या बोलते हैं, ईयर मार्क कर देना, ठीक है ना, ईयर मार्क कर देना, ध्यान से सुनना इसको वर्ड को गाइज, टू असाइन समथिंग या टू कीप और इंटेंड समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ₹50 करोड़, ये सेंटेंस देखिए कैसे बना, ₹50 करोड़ ऑफ दिस ईयर्स बजट इज ऑलरेडी ईयर मार्क्ड फॉर हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ₹50 करोड़ ऑफ दिस ईयर्स बजट इज ऑलरेडी ईयर मार्क्ड फॉर हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी से मुझे बताइए एक बार इसको लिख के, ईयर मार्क का मीनिंग क्या हो गया। ओके, लाभ सिंह ने आंसर दिया है, टू असाइन समथिंग या टू कीप समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, किसी भी चीज को किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसे ये ₹50,000 करोड़ मैंने क्या किया, ऑफ दिस ईयर बजट में ऑलरेडी ईयर मार्क कर दिया मैंने, किसके लिए, हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट के लिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इस ₹50,000 करोड़ को मैंने क्या किया, ईयर मार्क करके रख रखा है, क्या करूंगा इसका मैं, सर मैं हॉस्पिटल बजट के लिए, हॉस्पिटल के इंप्रूवमेंट के लिए, जिस तरह से जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वो थोड़ी सी उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है, अब ये 50 करोड़ रुपीज जो है उनकी थोड़ा सा हालत उनकी अच्छी करेंगे और बढ़िया बनाएंगे। गॉट इट और नॉट, क्लियर है? अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को ईयर मार्क का मीनिंग समझ में आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दें, एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना गाइज। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है, और जितने भी स्टूडेंट अभी नए देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार। एम्बेडेड ए ब्यूटीफुल वर्ड, एम्बेडेड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, और मीनिंग क्या होता है इसका, कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी इमोशन हो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर ओपिनियन और इमोशंस को दिखा रहा है उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड बोलते हैं। दूसरा जो होता है एम्बेडेड का मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कई बार कश्मीर में कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, हाथ में उनके माइक पकड़ रखे होते हैं, और जो है ये कोई जर्नलिस्ट है
सर हाथ में माइक लेके, और एक दो तीन सोल्जर उसके साथ होते हैं और वो जाता है कहीं पे कुछ कुछ कवर करने के लिए. दैट पर्टिकुलर जर्नलिस्ट इज कॉल्ड एन एम्बेडेड और एम्बेडेड जर्नलिस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये एम्बेडेड का मीनिंग होता है. अब यहाँ पे आपका देखिए, एक जगह ये इमोशन का की तरह और ओपिनियन के फॉर्म में यूज हो रहा है, और दूसरी जगह जो है ये प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स इस तरह से यूज हो रहा है. कितना डिफरेंट जो है ये मीनिंग आप लोगों के सामने शो कर रहा है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से सुनिएगा बात को. एक है आपका स्ट्रॉन्ग आपका इमोशन होना या आपका ओपिनियन होना. जितने भी स्टूडेंट अभी मुझे देख रहे हैं जल्दी से मुझे एक बार लिखेंगे जो एम्बेडेड होता है उसका मीनिंग क्या होता है. स्ट्रॉन्ग या तो किसी इमोशंस का या किसी ओपिनियन का, या दूसरा क्या होता है प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स. जैसे मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए ये आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ये कोई सोल्जर्स को ये कवर करने के लिए कुछ जर्नलिस्ट हैं, एक दो तीन, ठीक है ना, और ये सोल्जर इनके साथ साथ हैं, ये इनको कवर करके दिखाए. फिर ये दिखाते हैं हम वहाँ गए थे, इतना ब्रेव हमारा जर्नलिस्ट है, ये क्राइम का यू कैन से क्रिमिनल क्राइम चीज़ें को सिर्फ क्रिमिनल जो आपके न्यूज़ होती हैं उनको सिर्फ देखता है जर्नलिस्ट हमारा. किस टाइप के कुछ जर्नलिस्ट आपके होते हैं, ठीक है ना. जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया आज डीपली एम्बेडेड पैट्रियार्कल सोसाइटी. हमारी सोसाइटी क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी है. जैसे ही घर में घर होता है, घर में एक अगर मैं बात करूं, ये आपका अगर मैं बात करूं तो ये आपका हाउस हो गया, है ना, प्यारा सा आपका घर है, होम है आपका. इसमें जो पापा होते हैं PAPA, वो क्या होते हैं वहाँ पे, कहीं जगह आजकल चेंज हो गया हिसाब किताब, वहाँ पर जो रोल है वो माँ निभाती है, ठीक है ना. तो पापा अगर घर में कदम रख देते हैं तो चारों खाने छिन्न हो जाते हैं, है कि नहीं. तो वो पापा का रोब होता है. क्यों? पैट्रियार्कल सोसाइटी है. पापा को जो है मतलब पिता का जो ऑर्डर होता है वही फॉलो होता है हर जगह पे, है कि नहीं. आप लोग अपने पापा के डर से फेसबुक नहीं चलाते हो. पापा के डर से कई लोग जो होते हैं वो उन्होंने फेसबुक पर अपना नाम बदल के अपने अकाउंट बना रखे होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस टाइप से तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारी है ना. मतलब जो पापा ने बोल दिया फिर वही जो है, क्योंकि आप लोग भी सोचते हो कि यार पापा ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर किया होता है मम्मी पापा ने, तो फिर वो आप लोग वो डर नहीं होता, वो रिस्पेक्ट होती है, ठीक है ना. ये भी आप बात कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए यूज़ कर लिया मैंने पैट्रियार्कल सोसाइटी एम्बेडेड, और ये मैंने एम्बेडेड यहाँ पे जर्नलिस्ट के लिए यूज़ कर दिया. एम्बेडेड जर्नलिस्ट मतलब इमोशनल जर्नलिस्ट, अभी इसको नहीं कह सकते सर एक ऐसा जर्नलिस्ट था बहुत इमोशनल था, नहीं. ये हो गया आपका जो एक ऐसा जर्नलिस्ट था जो प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर है. एंड एम्बेडेड डॉक्टर, एम्बेडेड डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, इसको आप बोल सकते हैं क्या? एम्बेडेड डॉक्टर का मतलब कि ऐसा डॉक्टर जो प्रोटेक्टेड बाय सोल्जर्स है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं एशलॉन. इसको क्या बोलते हो आप लोग? एशलॉन बोलते हैं इसको. एशलॉन जल्दी से बोलिए फटाफट मेरे साथ साथ इसको, एशलॉन इसको बोलिए. एशलॉन का मीनिंग हो गया ए पर्टिकुलर लेवल और ग्रुप ऑफ पीपल. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ए पर्टिकुलर लेवल और ग्रुप ऑफ पीपल. कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है लोगों का, उसको क्या बोलते हैं? एशलॉन बोलते हैं, ठीक है ना. जैसे द सैलरी, दीज सैलरी इंक्रीजेज विल अफेक्ट ओनली द हाइएस्ट एशलॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो आप लोगों ने सैलरी का इंक्रीज किया है भाई, सैलरी आपकी सपोज 10K का इंक्रीज जो है सैलरी में कर दिया, लेकिन ये जो 10K का इंक्रीज है ना, ये लोअर जो एम्प्लॉय हैं उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ जो हायर अथॉरिटी है उनको फायदा पहुंचाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दीज सैलरी इंक्रीजेज विल अफेक्ट ओनली द हाइएस्ट एशलॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जल्दी से एक बार एशलॉन, यस सत्यजीत ने एशलॉन, एशलॉन ठीक है ना, एशलॉन बोलते हैं इसको. आप लोग चार पांच बार बोलोगे मेरे साथ साथ, बोले कम ऑन बोलिए ना. वोकैबुलरी बुलेट्स को फिर इसका नाम ऐसे थोड़ी रख रखा है, ये आज के बाद कभी एशलॉन आप लोगों को याद नहीं करना चाहिए, फिर ऐसा होना चाहिए. एशलॉन को आज याद कर लीजिए, ठीक है ना, कभी जिंदगी में फिर ये भूल लेना आप लोगों को. एशलॉन क्या होता है? ए पर्टिकुलर लेवल और ग्रुप ऑफ पीपल. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. दीज सैलरी इंक्रीजेज विल अफेक्ट ओनली द हाइएस्ट एशलॉन ऑफ द गवर्नमेंट. और जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, कल जितने भी स्टूडेंट आएंगे तो ये अपने एक और फ्रेंड के साथ आएंगे, ताकि हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा लोगों तक अपने इस शो को पहुंचा सकें. आप लोगों को इसमें मेरा साथ जरूर देना है गाइज, आप लोगों को देखना पड़ेगा और आप लोगों को इतना साथ तो देना पड़ेगा, ठीक है. ऐसी बात नहीं है कि आप लोग, कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो. कंपटीशन नहीं बढ़ाना भाई, मुझे अपना आप भी तो देखना है, ठीक है. मैं भी चाहता हूँ कि मैं और स्टूडेंट जो है इंडिया में जितने भी स्टूडेंट, हाँ सिर्फ मुझे चाहिए सीरियस स्टूडेंट, भले ही अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला ना हो वो भले ही आए ना, और वो आप लोग कमेंट और मेरे लाइक और डिसलाइक से देख भी सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है ना. मुझे चाहिए भी यही,
मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए, भले ही वो कम हो जाए, वो है अभी और मार्केट में है, ठीक है, उस टाइप से आप इसको बोल सकते हो, उस टाइप से आप स्टूडेंट्स को ला सकते हो, राइट गाइज। तो चलिए एक बार कंप्यूटर में जरा मुझे एक बार स्क्रीन पे ले आइए, और अभी हम चलते हैं अपने पेपर के ऊपर, जिसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। और ये भी एक आप लोगों का, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आप लोगों का ये हो सकता है, ठीक है ना गाइज। यस ले आइए एक बार मुझे वापस देखिए, मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर्स मोर, यू कैन से, अगर मैं बात करूँ तो मेकिंग नेशनल लेजिस्लेचर्स मोर जेंडर बैलेंस्ड, राइट। अगर आप देखेंगे क्या बोला, कोटा कैन इंश्योर मोर नंबर ऑफ वुमेन एमपीज, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 सेड दैट द वाइडेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी इन इज इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आपकी सबसे ज़्यादा, आप अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी जेंडर डिस्पैरिटी है, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे जैसे अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे है, barely 24% of the all MPs across the world, women to cite the Inter Parliamentary Union IPU 2018 report, अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी रिपोर्ट है, women legislators account for barely 24% of all MPs across the world, right? You can say that 24% सिर्फ जितने आपके across the world MPs हैं उसमें जो women participation है वो कितना है, 24% है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जल्दी से मुझे लिख के बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कि ये कितने परसेंट आपके हैं, ठीक है। तो द एक्सपीरियंस ऑफ द टॉप रैंक्ड कंट्रीज इन द आईपीयू लिस्ट डज गिव एन इंडिकेशन, आईपीयू का आप मुझे एक बार जो है, आईपीयू का फुल फॉर्म एक बार आप मुझे सामने लिख सकते हो, इंडिकेशन दैट, अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की बात कर सकते हो, तो यू कैन से रवांडा, अगर मैं बात करूं यहां पर, ए लैंड लॉक्ड नेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 11.2 मिलियन टॉप्स द लिस्ट। रवांडा जो है आप लोगों का, जिसको मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को, ये एक लैंड लॉक डोनेशन है, लेकिन ये टॉप द लिस्ट है विद 61.3% सीट्स इन लोअर हाउस में, इसने दिखाया गया है। लेकिन ये आपके रवांडा की अगर मैं बात करूं तो ये इसलिए नहीं है कि वहां पर लोग जो है वुमेन को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, नहीं, ये है इसलिए कि सम बिलीव दैट द हायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड सोली टू कोटाज, वुमेन वर थ्रस्ट इन टू द पोलिटिकल लाइमलाइट ड्यू टू द ह्यूज वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग ना जाने कितनी बार आता है, वैक्यूम को जरा एक बार देखिए, वैक्यूम की स्पेलिंग जरा फटाफट लिखिए, वैक्यूम VACWM, वैक्यूम, जो वैक्यूम हो जाता है, जो आपका एक स्पेस बन जाता है, खाली जगह बन जाती है, दैट इमर्ज्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 1994 जेनोसाइड। मैंने जेनोसाइड की आपको पिक्चर दिखाई जो आपका हुआ था 1994 में रवांडा में, विच रिजल्टेड इन अ लार्ज चंक ऑफ द कंट्रीज मेल पॉपुलेशन गेटिंग किल्ड, इसलिए वहां पर अब जो वुमेन है वो थोड़ी सी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन में आ गई हैं। जो कैरिबियन लीडर है वो आपका क्यूबा है, सेकंड है यहाँ पर, ये अबाउट द होल्ड रैंक सेकंड रैंक, अगर मैं बात करूँ तो 53% इसका यहाँ पर शेयर है। स्वीडन जो है वो आपका फिफ्थ रैंक पे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं नेपाल के एग्जांपल लेते हैं, क्लोजर होम अपने घर के नज़दीक आते हैं, देखो क्लोजर होम, नेपाल ऑक्यूपाई 36 पोजिशन इन दी आईपीयू, अगर मैं आपकी बात करूँ तो, एंड इट्स 275 मेंबर्स लोअर हाउस हैज 90 जो है इसमें वुमेन है, 275 हाउस में 32% है इसकी टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। तो ये आपके जो 33% हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं, तो ये आप लोगों का नेपाल ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। अब बात आया हमारा भारत महान, आइए जरा आप लोगों को कुछ अच्छा डाटा दिखाता हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, इंडिया एट 149 रैंक पे है 192 कंट्रीज में, एट द आईपीयू लिस्ट हैड बियरली 11.8% वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द 16th लोकसभा। अभी जो हमारी 16th लोकसभा हुई थी उसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन था वो कितना है हमारा, 11.8%। गाइज क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, वो आपसे रैंक पूछ लेगा इंडिया का कितना है, और ये बिल्कुल ही आपके फैक्चुअल, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों से वो जरूर पूछेगा, आप प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। एटलीस्ट 7, देखिए यहाँ पे क्या कितनी अच्छी बात बोला है, एटलीस्ट 7 आउट ऑफ द 29 स्टेट्स हैव नॉट सेंट अ सिंगल वुमेन एमपी, मतलब 7 स्टेट तो हमारे ऐसे हैं जो वुमेन, एक सिंगल वुमेन एमपी वहां पर नहीं है। यार ये शर्म की बात है, मतलब अगर मैं बात करूं कि 2019 आ गया है और हम लोग इस तरह के, हम एक लेडी वहां पर जो है 7 स्टेट में नहीं ला सके हैं कि जो वुमेन एमपी वहां पर बन सके। द 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टिपुलेटिंग 33% कोटा ऑफ वुमेन, जो 33% कोटा होना चाहिए वुमेन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना गाइज।
स्टेट असेंबली रिमेन्स इन पोलिटिकल कोल्ड स्टोरेज में उसको डब्बा बंद करके हमने रख रखा है. द सिस्टम ऑफ वॉलंटरी पार्टी कोटा विच वर्कड वेल इन मेनी कंट्रीज नॉट लाइकली टू कट मच आइस इन इंडिया डीपली एम्बेडेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, है ना. अब हमारी ये डीपली एम्बेडेड है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर, इसलिए वुमेन जो है पार्टिसिपेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो गया है. तो ये अगर मैं बात करूँ तो ए लीगली मैंडेटेड कोटा कुड परहैप्स इंश्योर लार्ज स्केल एंट्री ऑफ इंडियन वुमेन इन टू द हायर एशलोन्स ऑफ पोलिटिकल पावर. अगर मैं हायर एशलोन्स की बात करूँ, हायर पोलिटिकल ग्रुप की बात करूँ, अगर वहाँ पर हम वुमेन को ले जाना चाहते हैं तो लीगली मैंडेटेड हमें कोटा जो है एक लॉन्च करना चाहिए, हमें उसको अपनाना चाहिए ताकि उस पर हम जो है एक लीगल एक्शन भी ले सकें. कंप्यूटर महोदय वापस एक बार स्क्रीन पर आते हैं. तो आज के जो दोनों आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े, इसको आप दो तीन बार घर जाके, एक बार घर तो आप हो ही खैर कि जहाँ भी हो, आप लोग एक बार इसको अच्छे तरीके से गाइज पढ़ लीजिएगा. आप लोगों को जब रेगुलर आप लोग इस चीज़ को करने लग जाओगे तो आपको खुद फिर अच्छा लगने लग जाएगा, आपको अच्छी फील आने लग जाएगी कि हाँ आप लोग भी इंग्लिश का कोई पेपर है उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो. आप लोगों के लिए मैंने क्विज बनाया है, एक बार आते हैं जरा मैं अपनी वापस पीपीटी के ऊपर. कंप्यूटर महोदय ये है हमारा क्विज 26th of July का. According to Inter Parliamentary Union report, women legislators account for barely 10% of all MPs across the world. ये आपको फिल करना है. The Unlawful Activity Prevention Act allows DASH to investigate terrorism cases as a DSP or ACP, and DASH is the new PM of Britain. Britain के में अभी गवर्नमेंट आई है, नए PM है, आपको उनका नाम बताना है. ये तीन क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप लोगों को जरूर बताने हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा. आपका रिस्पांस जो है वो हमेशा वेलकम किया जाता है. गाइस आपको ये पूरा का पूरा शो कैसा लगा, आपको वर्ड्स कैसे लगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको अड्डा 247 ने प्रोवाइड किया है वो आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक डेफिनेटली वैल्यूएबल है. प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक. और अभी भी अगर जिन्होंने ये चैनल को हमारा SSC एंड रेलवेज अड्डा 247 अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइज, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय हिंद.